जैसा कि दोस्तों आज आपको मालूम चल गया कि लॉकडाउन की अवधि जो है 3 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है और अब जो पहले से ज्यादा कुछ को स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको ये लॉकडाउन के पीरियड में अगर आपको घर से बाहर निकलना है और ई पास की भी जरूरत पड़ेगी तो आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत जल्द उस ऐप में भी ई पास की फैसिलिटी आने वाली है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर आपको करना कैसे है अगर नहीं मालूम है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देख ऐप को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आरोग्य सेतु की ऐप जो है यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। 2.9 MB का ऐप है और इजिली 1 मिनट से भी कम के समय में ये डाउनलोड हो जाना चाहिए। फिलहाल के लिए तो अभी नेटवर्क भी थोड़ा सा डाउन है, देखिए ये हो गया बहुत ही जल्दी इजी सा। तो इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपकी अपनी लैंग्वेज आ जाएगी, जो भी आप लैंग्वेज में इसको यूज़ करना चाहते हैं उसको चूज़ कर लेंगे। चूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है, क्या आप चाहते हैं आपको यह जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति COVID-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया है? जी हाँ, हमको जरूर से जानना है। तो आगे पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों ये जो ऐप है इस ऐप का यूज़ जो है कि लोकेशन जनरेटेड और ब्लूटूथ के ज़रिए से किया जाएगा, तो इसलिए ब्लूटूथ और लोकेशन को ऑलवेज ऑन पे इसको क्लिक करना है हमेशा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यदि आप जाने अनजाने किसी COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। बाई चांस अगर कोई व्यक्ति है जो कि कोरोना से पॉजिटिव है तो जैसे ही आप उसके 6 मीटर के दायरे में आएंगे तो इस ऐप की मदद से आपको बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्टर करें पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सेवा और गोपनीयता की शर्तें जो इसको आप पढ़ लेंगे, और नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे मैं सहमत हूँ पे। और यहाँ से देखिए आ गया आपके जो कि लोकेशन की सर्विस है, इसको ऑलवेज ऑल टाइम पे क्लिक कर देना है और यहाँ से अलाउ कर देना है। आपको जो भी नंबर इस पे रजिस्टर करना है उस नंबर को यहाँ डाल देंगे, ठीक है, और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही तो यहाँ पर आपको विद इन 1 मिनट के अंदर में OTP आ जाएगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ सुरक्षित हूँ क्योंकि मैंने इस पे रजिस्टर किया था। और मैं आपको दोबारा से पुनः टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपके यहाँ पे आ जाएगा कि आपका क्या भी जो भी आपका जो लिंग है वो चूज़ कर लेंगे, महिला पुरुष जो भी हैं। उसके बाद यहाँ आप अपनी एज डाल देंगे। एज के बाद यहाँ आपको पूछ रहा है क्या आप नीचे लिखे हुए लक्षणों में से किसी एक का अनुभव कर रहे हैं, खांसी बुखार सांस लेने में दिक्कत है, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं पे क्लिक कर देंगे। और फिर यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या आपको नीचे लिखे हुए रोग में से किसी रोग में कभी कुछ ऐसा हुआ है, 4 रोग का नाम दिया है, अगर 4ों में से कोई अगर है आपको, मधुमेह उच्च रक्तचाप फेफड़ों की बीमारी दिल की बीमारी अगर है तो चूज़ करेंगे, हाँ नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देंगे, इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये ऐप जो है पूरी तरीके से आपके ईमानदारी पर डिपेंड है। अगर आपने इसमें ईमानदारी दिखाई तभी ये ऐप काम करने वाला है और बहुत जल्द इसमें ई पास की फैसिलिटी आने वाली है, इसलिए जल्द से जल्द इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। अपने रिश्तेदारों दोस्तों को भी कहिए कि डाउनलोड करके यहाँ रजिस्टर करें, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप 14 दिन में कभी आपने विदेश यात्रा की है, अगर की है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 ऑप्शन, हाल में किसी COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहा हूँ, हाँ या ना, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है, ठीक है, नहीं है तो इनमें से नहीं पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपसे पूछ रहा है क्या आपका संक्रमण जोखिम कम है, हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क में किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें, यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं या किसी COVID-19 पुष्टि रोगी के संपर्क में आते हैं तो स्वतः निर्धारित टेस्ट दोबारा लें, ठीक है, यहाँ से इस तरह से ओके कर देना है। तो यहाँ जैसे आप ये ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर आ गया यू आर सेफ, ठीक है। और दोस्तों इस ऐप की मदद से अगर आप PM केयर्स में कोई डोनेशन वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल के जरिए और UPI के जरिए आप यहाँ पर PM केयर में डोनेशन कर सकते हैं।
और दोस्तों बहुत जल्द, अभी तो नहीं, इसमें बहुत जल्द एक ही दो दिन के अंदर में यहाँ पर ई पास की फैसिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सकता है आप इस ऐप में रजिस्टर कीजिए। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप जो कि आरोग्य सेतु ऐप में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।